मोदी है तो अब की बार, अब की बार, अरे छिंदवाड़ा पार, अब की बार उधर से आवाज आना चाहिए, अब की बार, अब की बार, अब की बार थोड़ा संशोधन करो, संशोधन ऐसा करो, 2014 में हम 27 जीते, छिंदवाड़ा छूट गई, 2019 में हम 28 जीते, छिंदवाड़ा छूट गई, और आपकी बार छिंदवाड़ा, आपकी बार छिंदवाड़ा पार है ना, आपकी बार 29 पार, आपकी बार छिंदवाड़ा। बोलो अपने जिले का और वो भाजपा के कमल पुष्प को चढ़ाने के लिए हम सब मिलके छिंदवाड़ा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कितना आश्चर्य होता है, हमारे लिए कितना मन में कष्ट होता होगा। हमारा अपना घर का कोई बच्चा छिंदवाड़ा का भी सांसद नहीं बन सकता, कितने दुर्भाग्य की बात है। आजादी के लगभग 75 साल के बाद भी अगर छिंदवाड़ा का कोई सांसद नहीं बन पाए, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। मैं और आप सब मिलकर संकल्प करें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह नामुमकिन भी मुमकिन होता है, क्योंकि मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो अब की बार, अब की बार, अरे छिंदवाड़ा पार, अब की बार उधर से आवाज आना चाहिए, अब की बार, अब की बार अपने जिले का, अपने छिंदवाड़ा का सांसद जो बनाना चाहते हैं, वो दो हाथ खड़े करके मुट्ठी बांध के संकल्प करे कि हाँ हमारा अपना सांसद हमारा बच्चा होना चाहिए। मेरा तैयार है, इधर से भी तैयार है, इधर से भी तैयार है, हमारा अपना आदमी सांसद क्यों नहीं बनना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। मैंने इसलिए कहा कि छिंदवाड़ा की इज्जत का सवाल है, आज बंटी होगा कल कोई और हो सकता है, लेकिन जो भी होगा यहीं का बच्चा होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे राजा महाराजा का समय चला गया, कोई बड़ा आदमी हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, वो भैया पैसे वाले की मना थोड़ी है, आपके पैसे परमात्मा की दया से और कमा लो, लेकिन हर व्यक्ति की छिंदवाड़ा की 20 लाख जनता के वोट से अगर कोई अब की बार सांसद बने तो वो छिंदवाड़ा की इज्जत का सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको कब तक सिर पे बिठाएंगे, आपको वर्षों वर्षों बिठाया, 45 साल बाद भी आप क्या कहते हैं, मुझे सपना छिंदवाड़े का बहुत अच्छा करना। भैया तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल गई, अभी तक छिंदवाड़ा अच्छा ही नहीं हुआ, अभी और 45 साल के बाद कम पड़ रहा है। अरे 45 साल हो गए आपको, आपके बाद पूरे 5 साल आपके कहने पे आपको बेटे को दे दिया, आपकी पत्नी को दे दिया, कोई कितना देगा। इधर आपको दिया 45 साल, आपका क्या रिजल्ट है रिपोर्ट कार्ड लाके दिखा दो। और 10 साल का समय मिला मोदी जी को, जोरदार ताली बजा मोदी जी के लिए। समय मिलता है, समय मिलता है तो किसको कहते हैं, हमारी अपनी ये सरकार तो और कम वाला टाइम मिला, 1.5 साल तो आपने बिगाड़ दिया, लेकिन पांडुरंगा को जिला बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भाजपा की सरकार आ गई। ये सालों पहले हो सकता था, ये क्यों नहीं हो सकता था, लेकिन आपकी करने की इच्छा नहीं थी, आपने पांडुरंगा की इज्जत नहीं की है, पांडुरंगा की जिनने इज्जत की है पांडुरंगा उनके साथ जाएगा। बोले तैयार हो के नहीं हो, सब मिलके संकल्प करो, अब की बार भाजपा का अगर प्रत्याशी बनेगा तो जिनने पांडुरंगा का साथ दिया पांडुरंगा की जनता उनके साथ जाएगी। और एक और बात, एक नहीं दो नहीं कितने प्रकार से, अरे भाई आपका झंडा उठाया वर्षों तक आपके पिताजी ने, बेटे ने, मम्मी ने, सबने हमारा समर्थन ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आज पार्टी बदलते हैं और राष्ट्रवादी पार्टी के नाते से साथ आते हैं, नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जी के साथ आते हैं तो क्या बेईमान हो गए, गद्दार हो गए, उनको गालियां दोगे? हम गालियां सुनने के लिए? अरे कमाल है इस बात का, सारा हिसाब चुकता करेंगे 19 तारीख को। एक एक गाली का जवाब ये यहाँ की जनता देगी, पीछे देगी कि नहीं देगी? ताली बजा के बताओ, हम में से सब तैयार है कि नहीं? आपके मन में आया तो आप गाली बकलो, हम तो भगवान कृष्ण के मानने वाले हैं। शिशुपाल ने 100 गालियां दी थी, 100, 1, 2, 3, 4, भगवान कृष्ण ने 100 गालियां बर्दाश्त की। और जैसे ही 100 हुई तो सुदर्शन चक्र चला उंगली से, और ये गाली बकने वाले के पते ठिकाने नहीं लगे और धर्म की जय जयकार हुई। मैं जानता हूँ आज के अवसर पर आप सबके हाथ में भी भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम आपकी उंगली में भी वही सुदर्शन चक्र है, केवल बटन दबाना है कमल के फूल के ऊपर। ये गाली देने वाले कहाँ जाएंगे? इनको खुद मालूम नहीं, अते पते नहीं लगेंगे जो गाली बक रहे हैं मोदी जी को, जो गाली बक रहे हैं हमारे सनातन धर्म को। हम तो इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमने तो कभी किसी धर्म को गाली नहीं बकी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, भगवान राम के मामले को लेकर के कांग्रेस ने वर्षों तक लड़ाते रहे एक दूसरे को भाई के खून के प्यासे कर दिए, लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस